देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान जनधन उज्ज्वला योजना के लिए जाने जाते हैं। आज गरीबों तक वह LPG गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। आज देश के उन गांवों में बिजली पहुंची जिन गांवों में पहले बिजली नहीं पहुंची थी। सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। दुनिया से निवेश हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ लेने के दौड़ता है। तो मुझे लगता है देश की संस्कृति, संप्रभुता और सम्मान तीनों की उन्नति हुई है। लेकर आम आदमी के लिए, आम आदमी के वोट से सत्ता में आई, वो खास आदमी की पार्टी बन गई, वे लोग खास लोग बन गए, खास लोगों के लिए सत्ता में आ गए। तो यह जो विरोधाभास है उसी को पार्टी दिखा रही है। और एक तरह से साफ है भारत की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति जनता के लिए सरोकार रखता है, जनता उसी को वोट दे। यदि हम भावनाओं के आधार पर वोट करते रहेंगे तो अच्छे चरित्र का व्यक्ति विधानसभा में, संसद में नहीं पहुंच पाएगा। यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो अपना जीवन है वह जनता के लिए, देश के लिए किस प्रकार समर्पित है, पूरी जनता, पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यह हमारे देश के लिए एक सम्मान का विषय है। सर, CBI जांच एक तरफ चल रही है, शराब घोटाले या इस्तेमाल की बात, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि उनको डराने की कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, भविष्य में साजिश रच रही है। देखिए, जांच एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं, कानून के दायरे में कर रही हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, न मेरे द्वारा न उनके द्वारा। जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए।